अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रिजदास किचन। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर से ही होंगे। आज फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर है। हम यहाँ पे क्रिस्पी चिकन की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। एक क्विक एंड ईजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1250 ग्राम चिकन को अच्छे से वॉश करके इस तरीके से पानी में रख दिए। पानी में हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून विनीगर और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसे आधा घंटे के लिए पानी में डीप करके रख दिए थे। अब आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। आधा घंटा हमने पानी में इसलिए रखे कि इससे ये चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसे अच्छे से ड्रेन कर लिए है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 अंडा, 1 लेमन का जूस निकाल के रख दिए, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर, आप इसकी जगह मैगी क्यूब भी ले सकते हैं, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सारे मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। अब चिकन के पीसेस को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। इसे हमने अच्छे से ड्रेन कर लिया, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और सारे मसाले जो हमने निकाल के रख दिए थे वो डाल देंगे, सोया सॉस, चिली सॉस। अब सारी चीज़ों को हम डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले, ये कम मसालों से ही बहुत मज़े की बनती है। अब सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा मज़े की बनेंगे। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिए, अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिए थे, 2 घंटा हो गया है। अब हम इसमें 2 अंडे डाल देंगे। पहले हमने एक ही बताए थे लेकिन 2 अंडे की ज़रूरत है, इसके लिए हमने 2 अंडे डाल दिए। 1 बड़ा स्पून भर के मैदा डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा मैदा डालेंगे तो क्रम्स अच्छे से लगेगा, इसके लिए हमने अंडा ज़्यादा ले लिए हैं, मैदा भी डाल दिए है, इससे और चिपकने में इजी हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अगर आपको अंडा नहीं डालना है तो 1 स्पून और मैदा डाल दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ओरिजिनल है। अब इसे अच्छे से हम हाथों से चूर लेंगे। हम ज़्यादा इसे ग्राइंड करेंगे तो पूरी पाउडर बनेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने हाथों से चूर के इसे मोटा मोटा क्रश कर लिए। अब इसमें 1 टीस्पून अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर रहे हैं। आपको अगर मैदे से करना है तो आप मैदे से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉर्नफ्लेक्स से बहुत हेल्दी भी रहता है और खाने के लिए बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। अब हम थोड़ा सा प्लेट में निकाल देंगे। हमने पूरा इसमें नहीं डाले क्योंकि पूरा डालने से चिकन हम जब गीली रहती है तो पूरा ख़राब हो जाता है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक पीस को इस तरीके से दबा दबा के कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। हमने इसमें 2 अंडे इसलिए डाले थे कि इसकी कोटिंग अच्छी मोटी आ जाए। जब ये गीला रहेगा ज़्यादा तो उतनी कोटिंग भी अच्छे से मोटी लगेगी। इसी तरह से सारे पीसेस को हम कॉर्नफ्लेक्स से कोट करके रख देंगे। अब इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। सारी चिकन को हमने कोट कर लिया, अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। ऑयल को हमने पहले से गर्म करके रख दिए थे। अब एक एक करके इसमें पीसेस डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 4 ही पीस डालेंगे। जितने गैप में ये फ्राई होंगे उतने ये अच्छे क्रिस्पी भी बनते हैं, इसकी कोटिंग बिल्कुल भी निकलती नहीं। अब 5 मिनट के बाद इसे टर्न कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने स्लो रख दिए है, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं। अब हमने इसे 10 से 15 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। क्रिस्पी चिकन अब रेडी है सर्विंग के लिए। अब हम इसे स्ट्रेनर से निकाल देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे सॉस के साथ। लग रही ना टेम्पटिंग है? जितना दिखने में टेम्पटिंग है उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस भी बनती है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी सिंपल और इजी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।